बस एक बाबा का भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको, आपने बजाई ताली, हाथ ऊपर उठाए, मैंने आपको ज्यादा निवेदन नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भजन में वास्तव में आपके अंदर से आत्मा जो है वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि ये भजन ऐसा है कि जिसको पूरे देश भर में लाखों लोगों ने सुना है। बड़ा आनंद कीजिएगा और थोड़ा सावधान की मुद्रा में बैठ जाओ, थोड़ा सा जगते हुए बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। मरुधर में जोत जगाय गयो, रे बाबू दौड़ धजा फेराय गयो। मरुधर में जोत जगाय गयो, रे बाबू दौड़ धजा फेराय गयो। अब इस भजन का ऐसा नियम है कि तालियों से प्रारंभ होगा, बिना तालियों के भजन चलेगा नहीं। एक बार सिर्फ दोनों हाथों को उठाकर मारो सावरियो बनवारी, मारो सावरियो बनवारी, रंगी पीछा धारी, अब सावरियो बनवारी, मनो पच्ची रंगी पीछा धारी, भगतारे कारण पच मल घर अवतार लियो, कसुमल के सरिया जा मारो सिंगार लियो, मर्दर में जो जगाय गयो, बाबू धौली धजा पहराय गयो, भारो 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 सावरियो बनवारी, बड़ो पच्ची रंग पीचा धारी, भग तारे कारण अज मल भग अवतार लियो, कसुमल के सरिया जा मारो सिंगार लियो, मरुधर में जोत जगाय गयो, बाबो धौली धजा फेराय गयो, nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God. भाई सुगना आरती गावे, भाटी हज जी चौगल डुलावे, भाई सुगना आरती गावे, भाटी हज जी चौगल डुलावे, श्री लक्ष्मी रूप ने तल दे संग में प्याव कियो, कसुंबल के सरिया मारो सिंह
गाद की रो देखिए बाबारी बारात गई अमरकोट हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी परंपराएं हैं पूरे देशभर में वो नहीं जो हमारे हमारे इधर जितनी मर्यादाएं उतनी और कहीं नहीं माता बहन ध्यान करना थोड़ा पहले अपने जो सगाई संबंध है रिश्ते नाते सब बुजुर्ग लोग तय करते थे घर में बूढ़ा जो होता वह सारा सगाई सगपटरा काम बारा जिम में था कटी डोगरो सभा पर जातो कटी हताई पर जातो तो पोतारी सगाई कराते और घर वाले उसको मानते भी थे कि भी हाँ हमारे बाबा जी ने की है तो डोगरा की बात राखनी पड़ेगा। आजकल जमाना थोड़ा बदल गया छोरा कहनो माने कोनी और उससे भी ज्यादा खराब काम तो बंबई और वहां पर हो गया कि आजकल शादियां इस फेसबुक पे ये व्हाट्सएप पे और ये सोशल जमाने के जमाने में शादियां भी फेसबुक पे होने लग गई भाई साहब घर वालों को पता ही नहीं चलता कब करके आ गया तलाक भी उधर ही हो जाता है। युवा लोगों आपको चेतावनी देना चाहता हूं ध्यान रखना फेसबुक पर सिर्फ फेस ही दिखाई देता है बुक दिखाई नहीं देती है। अमरकोट से पंडित जी आया रुणीचा मां मैणा दे ने कहो कि मारे ठाकरा री बेटी है और आपरा कौर साहब रे साथ में संबंध करनो है। मां मैणा दे बोली कि जाओ पंडित जी ये चलाकर घर आया हो थाने खाली हाथ तो किकर भेजू जाओ 1,25,00,000 रुपया की मोहरा दे जाओ आपने ठाकरा ने कह दीजो कि आपकी छोरी रो सब रिश्तो मंजूर है आप तो भैया ब्यावरी तैयारियां करो मैं बारात लेने आवन वाला है। सगाई हो गई बड़े धूमधाम से बारात गई चारों तरफ खुशहाली पर जैसे ही बारात अमरकोट पहुंची मित्तल के पीहर के मन में शंका हो गई पीहर के लोगों के मन में तकलीफ हो गई कि बारात तो आ गई है लेकिन एक बात जो है हाल तक सगोजी ने पतो नहीं है कि अपनी छोरी पांगली है। थोड़ी माता मेरों से बातें कल कर लेना घर जाकर। अब चिंता में डूब गए आसपास के गांवों में भी पता था कि जो लाडो आयो है वो कोई देवता है तो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए कि आज देखो क्या होता है ये दलजी सोडा रे घर में बड़ो नाटक होने वालों है क्योंकि सगोजी ने पतो नहीं कि छोरी पांगली है थोड़ी देर बाद में फेरा बहना है फेरों में छोरी ने उबो होना पड़ेला छोरी पांगली पोलियो ग्रस्त है और सगोजी रो दिमाग खराब हो गया और बारात वापस जानी पंडित जी हटले वो जोड़ा है अभी तक पता नहीं लेकिन बाबा रामदेव जी तो घटघटरा वासी हा लोग देखता देखता रह गया और जिस समय जैसे ही बाबा नेतल को हाथ पकड़ो बाबा री ऐसी कृपा हो गई कि वह पांगली नेतल बाबा री कृपा से दोनों पगों पर खड़ी हो गई और बाबा के साथ में फेरा खा लिया बड़े अजमल घर अवतार की। अब मैं इसको गाके बोलना चाहता हूं इस बात को थोड़ा गाके बोल दू ताली बजाओ 1 2 मैंने कहा उस दृश्य को अपने अंदाज में कहता तेरे हाथों में पहना के चूड़िया वो चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया नेतल के हाथों में पहना के चूड़िया चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया हो पावली लाधारी दे गया हो पावली लाधारी दे गया दे तेरे नैना मेरे नैनों से ओ बाबू हिंदुआ पीर कहायो रूनी चा नगर बसायो बाबू इस लाइन को आपको गाना पड़ेगा ओ बाबू हिंदुआ पीर कहायो रूनी चा नगर बसायो ओ बाबो रूनी चा भजन का अर्थ ये होता है कि हमको भगवान से भजन ही जोड़ता है
इस पूरी दुनिया का आधार जो शब्द है, पूरी दुनिया का, आप किसी भी बड़े से बड़े किसी भी महापुरुष को, किसी भी विद्वान पुरुष को पूछना कि प्रकाश माली ने ऐसा मंच पे कहा था कि इस पूरी दुनिया का आधार शब्द है, ये बात गलत है कि सही है, आपको उत्तर मिलेगा वो मैं आपको बोल देता हूं। क्योंकि शब्द रिश्ते बनाता है, शब्द रिश्ते तोड़ता है, शब्द समाज बनाता है, शब्द शब्द अभिव्यक्ति है। एक शब्द बोल दो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, सामने वाली बर्थ पर अनजान आदमी है, आपने दो बोल मीठे बोल दिए, दो बोल उसने मीठे बोल दिए, 10-12-15 घंटे का रास्ता निकल गया, शायद हो सकता है कि वो समाज का निकल जाए तो रिश्तेदारी बन जाए। और बहुत पुरानी पीढ़ियों की रिश्तेदारी है, आपस में गूंथी जुड़ा है। और एक शब्द सगो जी ने कावड़ बोल दियो, एक शब्द कोई जमाई राजा आए और फिर कावड़ बोल दियो, तो पीढ़ियों की रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। मित्रों, ये शब्दों का माया है, ये शब्दों का खेल है, ये शब्दों की दुनिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शब्द से भजन बनता और भजन भगवान से जोड़ता, ये परंपरा है। एक बार दोनों हाथों को खड़ा कर दे मेरे साथ, कोई शंका ना करे, कोई मन में अभिमान ना रखे, मन में गाथा है वे निकाल दो एक बार बारे, दोनों हाथों को उठाकर बोलना एक बार, बाबो हिंदुआ पीर कहायो रूणी चा नगर बसायो, ओ बाबो रूणी चा हो कोई ऊंचो नहीं नीचो, सब भेद भाव ने मिटायो, धोखी धड़िया में आय गयो, तंदूरे रतार बजाय गयो, धोती धड़िया में आय गयो, तंदूरे रतार बजाय गयो, बाबू कड़ा किलंगी भरी कलयुग में।